हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आप आपको बताऊंगा आप अपने अपने चैनल का कस्टम यूआरएल कैसे बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे चैनल का कस्टम यूआरएल नहीं है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सफारी या क्रोम में जाऊँगा। उसके बाद अपना यूट्यूब खोलूँगा। इधर आने के बाद आपने अपने यूट्यूब के चैनल को साइन इन कर लेना है जैसे कि मैंने किया हुआ है। उसके बाद हम उसको डेस्कटॉप मोड कर लेंगे। उसके बाद आप अपने आइकन पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर सेटिंग का ऑप्शन है। इसके अलावा एक और भी ऑप्शन है, मैं भी आपको बता देता हूँ। आप क्रिएट स्टूडियो के ऊपर जाएं, नीचे सेटिंग के ऊपर क्लिक करें, चैनल पर जाएं, फीचर एलिजिबिलिटी में जाएं और स्टेटस और फीचर पर क्लिक कर दें। इसके अलावा जो आपको मैं बता रहा हूँ उसके अलावा आप इधर भी जा सकते हैं। उसके अलावा आप आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग में जाएं और इधर भी आप चैनल स्टेटस फीचर पे जा सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं आई एम डीजे पर कस्टम यूआरएल क्लेम इट हेयर, मैंने अभी तक अपना करा नहीं है, तो इसके लिए हम इधर क्लिक हेयर में करेंगे क्लिक। और उसके बाद हम जाएंगे यू एलिजिबल कस्टम यूआरएल क्लेम इट हेयर। उसके पहले मैं आपको बता दूं आपको एलिजिबल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। हम नीचे क्लिक करेंगे, आपको बताता हूँ ये कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। आपको चार चीज़ें चाहिए होंगी, वो ये हैं कि कस्टम यूआरएल लेने के लिए आपके मोर देन 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए, आपका जो अकाउंट है वो 30 दिन पुराना होना चाहिए, जी। इसके बाद आपके पास इधर दो ऑप्शन आएंगे, एक होगा जो आपके चैनल का नाम है और एक होगा आपके चैनल का नाम। और उसके अगर आप एक्स्ट्रा कुछ आगे लिखना चाह रहे होते हैं वो, जैसे कि ये मिस्टर टेक केयर और ये सबसे लास्ट में मिस्टर टेक केयर के लिखा हुआ है आगे कुछ। जैसे अगर मैं लास्ट वाले पे क्लिक करता हूँ तो इधर मैं और भी करेक्टर डाल सकता हूँ इसके आगे। इससे डिफरेंट रखने के लिए अपनी मर्जी का कोई भी आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आप अपने यूट्यूब के चैनल पर जाएँ, उधर अपना चैनल का नेम चेंज करें जो आप कस्टम यूआरएल रखना चाहते हैं। उसके बाद इस पेज पर आएँ, इधर फिर आपके पास वो वाला नेम शो रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करें और आपका वो कस्टम यूआरएल हो जाएगा। उसके बाद वापस यूट्यूब पे जाएं, आपका जो नेम था जो आपने कस्टम यूआरएल के रखा था उसको चेंज करके आप प्रीवियस वाला नाम रख सकते हैं और उसके बाद आपका कस्टम यूआरएल भी हो जाएगा। लेकिन मैं अभी के लिए मिस्टर टेक केयर ही पसंद करूँगा, तो इसके लिए हम जाएंगे चेंज यूआरएल पे। चेंज यूआरएल पे क्लिक किया और सॉरी एग्री करना पड़ेगा, एग्री करा चेंज यूआरएल। देखे मेरा चैनल जो होता है वो, ये देखिए मेरे चैनल का जो यूआरएल है वो हो गया है चेंज। उसके बाद मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सेटिंग में गया, फीचर्स में जाएंगे दोबारा, इधर आप देख सकते हैं मेरे चैनल का जो है यूआरएल जो है वो चेंज हो उसके गया। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अगर आपको हेल्पफुल नहीं लगी तो प्लीज डिसलाइक कर दें। इसके अलावा कमेंट में अपनी राय दें। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।